मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल लाइफ स्किल विद विजया में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं, आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप जो है अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और आपको निराशा नहीं मिलेगी। आप वीडियो के लास्ट तक जाएंगे तो आपको कोई ना कोई यूजफुल जानकारी जरूर ही मिलेंगी, आपको लाभ मेरे वीडियो से जरूर पहुंचेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों देखिए, ये रंग बिरंगे फूलों वाला पौधा देखकर तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि मेरे वीडियो का आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों ये रंग बिरंगे और खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है वेनिका का, जो कि बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है हमारे गार्डन में। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बार ही ये हमारे गार्डन में आ जाए तो ये हमारे थोड़ी सी केयर करें तो ये हमारे पास हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों आज मैं इसे जो है इसको जो है किस प्रकार अपने घर में लगाएं कि बहुत अच्छी तरीके से ये इसमें फ्लावरिंग हो और इस तरह का बुशी और घना बनाने के लिए हम क्या क्या वर्क करें और इसमें जो है किस चीज़ की समस्या आती है कि हमारे वेनिका का पौधा जो है क्या कहते हैं ठीक से नहीं चल पाता या अचानक से जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाती। तो दोस्तों आज इसे ग्रो करने का मैं बहुत ही पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी, जिससे आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों आज पॉइंट बाय पॉइंट मैं जो है इसके बारे में आप सभी को जानकारी देती हूँ। तो दोस्तों नंबर पर एक पर बात करते हैं, हम पॉट में या कंटेनर में गार्डनिंग करते हो ध्यान तो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो कि हमारी जो मिट्टी हो वो बहुत ही ऑर्गेनिक रूप से रिच हो और वेल ड्रेन हो किसी भी पौधे के लिए, क्योंकि अगर इस छोटे से पॉट में पानी रुकेगा और मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी तो हमारे पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों वेनिका का पौधा है किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत ही आसानी से लो मेंटेनेंस प्लांट है उग जाता है, लेकिन अगर हमें इसी तरह का घना और बुशी चाहिए और बहुत ही अच्छी गुच्छों में फ्लावरिंग हो चाहिए तो उसके लिए हमें अपनी मिट्टी बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही वेल्डन मिट्टी हो। नंबर दूसरी बात आती है धूप की। किसी भी पौधे को जब हम घर में उगाते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पौधे की ग्रोथ का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों वेनिका का पौधा जो होता है वैसे तो पूरे साल में फ्लावरिंग करता है, लेकिन जो है ये जो हो पौधा है जब ये मार्च से लेके अक्टूबर तक ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसे पूरे दिन भर की सनलाइट चाहिए बहुत अच्छे ग्रोथ होने के लिए, तो इसे पूरी धूप की ज़रूरत होती है और इसकी जो मिट्टी हो पूरी तरह से वेल ड्रेन हो, यानी इसमें पानी की जब हम पूरे धूप में रखेंगे और गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरीके से उगने वाला पौधा है तो उसमें पानी की भी ज़रूरत होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपना पौधा में पानी देते रहना चाहिए। मिट्टी स्वागी ना हो, वेल्डन मिट्टी होगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर तीसरे पे बात आती है कि इसमें प्रॉब्लम या समस्या क्या आती है जिसकी वजह से हमारा वेनिका का पौधा जो है ख़राब होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि इसमें जो एक इसमें एफिड है या माइट्स का है इसका अटैक बहुत ही कम होता है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है वो फंगस की है। तो दोस्तों इसके लिए जो है हमें अपने पौधों की पॉट में 15 दिन में थोड़ा सा जो है फंगिसाइड मिला पानी डालना चाहिए और उसके साथ ही साथ अपने पूरे जो है पॉट में ऊपर जो है फोलियो स्प्रे कर देना चाहिए ताकि हमारे जो है वेनिका के पौधे में अगर फंगस का अटैक होता है, क्योंकि इसकी स्टेम रॉट और फंगस से पूरा पौधा हमें पता ही नहीं चल पाता है, अगर बारिश के समय में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो हमारा पौधा जो है तुरंत सूखने लग जाता है और पीला पड़ के सूख जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो इसमें जो है इसकी केयर हमें जो है रूटीन में अपने डाल लेनी चाहिए ताकि हमारा पौधा हेल्दी रहे। तो इसमें जो है 1 लीटर में जो है 1 ग्राम जो है फंगिसाइड कोई भी है साफ है जो सिस्टमेटिक और जो है कनेक्टेड दोनों हो उसे मिलाकर स्प्रे करना चाहिए ताकि हमारा पौधा हेल्दी बना रहे और फंगस की समस्या से जो है हमें निजात आए। दोस्तों ये देखिए सीड पॉट, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो सीड पॉट उसके हमेशा हटाते रहने चाहिए जब तक हमें बीजों की ज़रूरत ना हो। तो इस तरह के सीड पॉट हमारे पौधे में बहुत ही अधिक बनने लगते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पौधे में ये देखिए कितने ज़्यादा बने हुए हैं सीड पॉट। अगर मैं इन्हें नहीं हटाऊंगी तो ये जो है मेरा
प्लांट कुछ दिनों बाद फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। तो दोस्तों हमेशा से जो है ये जितने सीड पॉट बनते हैं इन्हें भी मूव करते रहना चाहिए। इसके बाद आती है हमें अपने प्लांट की जो है ये जो सरफेस होती है इसे हमेशा जो है साफ करते रहना चाहिए। इसमें पीली पत्तियों को बिल्कुल नहीं पड़ा रहना चाहिए क्योंकि वही चीज़ें हमारे जो है अच्छी तरीके से डिकम्पोज नहीं होती है तो फंगस का कारण बनती है। इसके साथ हमारे रूट में अगर फंगस की प्रॉब्लम आई तो हमारा पेड़ बिल्कुल सी जो है सूख जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। तो दोस्तों ये कटिंग और बीज से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे दोस्तों इसके यहाँ से हम कटिंग ले लें शुरुआत से और उसको जो है लगा दें किसी भी समय तो हमारी बहुत ही आसानी से सीड जो है कटिंग लग जाती है 15 से 20 दिन में और हमारे घर में जो है बहुत अच्छे से जो है मेनका का पौधा मुफ्त में ही तैयार हो जाता। तो दोस्तों और एक बात मैं आपसे और दिखाना चाहती हूँ, आप ये देखिए ये कितने सारे जो है फ्लावर के वेनका के प्लांट बेबी प्लांट मेरे तैयार हो गए। दोस्तों इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा है, ये जो मेरे सीड पॉट इसी प्लांट पे बन रहे थे वही गिरे हैं और उन्हीं से मेरा वेनका का पौधा तैयार हो गया। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस प्लांट को आप बहुत ही चीप बेस्ट प्राइस में हमारी नर्सरी में मिलता है। इस समय जो है फरवरी और मार्च के महीने में बहुत ही अधिक इसकी वैरायटी जो है नर्सरीज में आई हैं, आप ला के लगा सकते हैं या आपको कहीं से कटिंग मिल जाए। ये मेरे हाइब्रिड वैरायटी के वेनका हैं तीनों और ये मेरा वाइट वाला देसी वैरायटी का वेनका है। देखिए दोस्तों एक बार आप लाइए उसके बाद ये सेल्फ प्रोपेगेट अपने सीड्स जो है बना बना के छोड़ते हैं और उससे हमारे गार्डन में बहुत ही आसानी से मुफ्त में बन जाते हैं। तो एक बार वेनका का पौधा लाने के बाद हमारे गार्डन में जो है फिर कभी जो है अगर हम थोड़े केयरफुल रहें तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर तीसरी बात दोस्तों जैसे ही देखिए आप बंचेस में फ्लावरिंग हो रही है, जब एक बार फ्लावरिंग हो जाए तो इसकी हमें जो है इतनी इतनी ब्रांचें लेके प्रूनिंग कर देना चाहिए ताकि हमारा पौधा मेंटेन रहे और फिर से नई नई ब्रांचें निकाले और बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारा पौधा फिर से बूशी होकर फ्लावरिंग करे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को और हाँ जब हम कटिंग करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें फंगिसाइड का स्प्रे उस समय जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसका मैं जो है ये देखिए मेरे लास्ट ईयर का प्लांट है, इसकी मैंने जो है अभी हफ्ते भर पहले जो है एक वीक पहले प्रूनिंग कर दी और आप देखेंगे कि इस पर देखिए ये नोट्स पे बड्स बनने लगे। तो दोस्तों ये देखिए कितना बुशी प्लांट हमारा तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस तरह आप जो है बीच बीच में इनकी प्रूनिंग करते रहिए, अपने प्लांट को बुशी बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए। और दोस्तों जैसे मेरा ये प्लांट है अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसी प्लांट से कटिंग लगाऊंगी, उसका अपडेट वीडियो तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। लेकिन इसको बुशी करना है क्योंकि ये बहुत लैगी सा पौधा हो गया है, अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है। तो मैं अभी इसे बुशी कर दूंगी, कटिंग कर दूंगी, उसके बाद ये पौधा भी इन पौधों की तरह शेप ले लेगा। ये वीडियो में मैं आपको दिखाने के लिए इस पौधे को मैंने तलैगी होने दिया है क्योंकि विथ रिजल्ट मुझे आपको दिखाना है। तो दोस्तों बस थोड़ी और ये देखिए दोस्तों यही जो नॉर्मल जो है हमारे प्लांट प्रोपेगेट हुए थे उन्हीं को मैंने जो है इन छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिया है और बहुत ही इजी तरीके से ये मेरे तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि वेनका का पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, सिर्फ फंगस का अटैक इसमें होता है, स्टेम में भी फंगस का अटैक होता है, इसकी रूट में होता है। थोड़ी सी सावधानी केयर करें तो हमारे गार्डन में तपती गर्मियों में ये हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाने में बहुत कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए और एक बात कहूँगी, आप इसे बहुत छोटे से कंटेनर से लेके बहुत बड़े पॉट में लगाएंगे और जहाँ इनकी आपने जो है पिंचिंग कर दी और कटिंग कर दी ये पूरा पॉट भरकर फ्लावर देगा। इसका जो है आप रिजल्ट मेरा देख सकते हैं कि ये मेरे जो है 12 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और कितना अच्छा तैयार हुआ है। आप इसे 6 इंच से लेके 12 इंच तक में पॉट में या छोटे बड़े दोनों ये 8 इंच के पॉट में मेरे लगा हुआ है और इसकी मैं प्रूनिंग करने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तो दोस्तों आप किसी भी गार्डनिंग टूल या कटर की सहायता से अपने इसको प्रून करिए, जब प्रून करिए तो इसे स्टरलाइज ज़रूर कर लीजिए ताकि जो है आपका जो है आपके पौधे पे कोई अटैक ना हो पेस्ट वगैरह का वायरस वगैरह का। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसकी जो है बहुत अच्छे से एक बराबर से प्रूनिंग कर दी है और दोस्तों जब अब इसमें जो न्यू ग्रोथ आएंगी, नई नई शूट निकलेंगी तो ये हमारा पौधा बूसी कर देंगी। और दोस्तों
इनकी मैं कटिंग लगा दूंगी, इससे मेरे मुफ्त में और ढेरों पौधे अभी ही तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर वेनका को प्रोपेगेट करना है तो आपको कहीं से मिल जाए तो कहीं से भी कटिंग लाइए। इसकी कटिंग बहुत ही ईजी ग्रोथ होती है। इसके बाद नहीं आप किसी पार्क वगैरह में देखिए या फ्रेंड्स के घर में हैं तो वहाँ उनके सीड पॉट की सहायता से भी नए नए पौधे बनते रहते हैं, तो वो भी आप लीजिए। एक बार आप अपने गार्डन में आप लगा देंगे तो आपके घर में सौरों साल वेनका तरह रहेगा। और इसके बाद इसके फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ। अगर कोई भी फ्लावरिंग है, हमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो उसके लिए फर्टिलाइज़र भी है। इसके लिए दोस्तों हमें बैलेंस्ड एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। इसका फोलियो स्प्रे हमें जो है 15 दिन में एक बार इस पर कर देना चाहिए ताकि इसमें इसी तरह अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे। इसके बाद दोस्तों मैं ये सीवीड ली हूँ, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, इसका लिक्विड फॉर्म में आता है और ये ग्रेन्यूल फॉर्म में है। तो इसको मैं लेती हूँ और कम से कम 10 से 12 दाने जो है अपने हर पॉट में डाल देती हूँ, तो वो मेरे पौधों की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं और मेरा पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है अपने घर में भी आसानी से वेनका तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही आंखों को ठंडक देने वाले और सुकून देने वाले इसके फूल होते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में वेनका को लगाइए और जो है इसकी केयर इसी तरह से करिए, आपके घर में भी जो है वेनका का पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रो होगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोस मेरे अगर आपको यूजफुल लगते हैं तो इन्हें जो है अपने गार्डन में ज़रूर अप्लाई करिए। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे नए चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।